हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस में। इसके पहले हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण में विव्यक्तिकर। तो विव्यक्तिकर क्या होता है, इसके पहले हमने आपको मूल निकालना बताया था अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक बार प्लस रखेंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस रखेंगे तो बीटा हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट विव्यक्तिकर। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल हमने निकाल लिया था, अब इसका विव्यक्तिकर क्या होगा। तो इसका विव्यक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बोलते हैं विव्यक्तिकर। किसका, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। और इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं इस विव्यक्तिकर के, यानी विव्यक्तिकर हमारा हो गया d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बोलेंगे विव्यक्तिकर। इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या। पहला कंडीशन हमारा ये हो सकता है कि ये जो हमारा विव्यक्तिकर है वह ग्रेटर देन जीरो हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, जीरो से बड़ी मिलेगी। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन जीरो है। इस कंडीशन में जो हमारे मूल होंगे, मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा। मूल मूल अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, वास्तविक वास्तविक तथा वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि अगर विव्यक्तिकर d इज इक्वल टू जीरो हो जाए तब क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब क्या होगा, जब इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, मूल अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यानी मूल होंगे समान, मूल समान होंगे, समान तथा बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। और तीसरी कंडीशन हमारी बनती है क्या, विव्यक्तिकर जब जीरो हो जाए, लेस देन जीरो हो, डी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ई लेस देन जीरो। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा तो आपको यहाँ पे कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे जो मूल आपको प्राप्त होगा वह काल्पनिक होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी वास्तविक वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आपको काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। काल्पनिक का क्या मतलब है कि अंडर रूट आपको माइनस मिलेगा। जैसे मान लीजिए माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मिला, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसको लिख सकते हैं आई। और आई हम लोग पढ़े नहीं हैं, आई का मतलब होता है इमेजिनरी। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस पे देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो सी का मान ज्ञात करें। तो सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग विव्यक्तिकर निकालेंगे। इसका विव्यक्तिकर हम लोग जानते हैं क्या, डी, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लिया जाए, बी का मान कितना है, बी इज इक्वल टू माइनस एट होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है टू, और सी की वैल्यू है, सी इज इक्वल टू कर दिया जाए जीरो। कब, जब इसके
मूल समान हो तब ये कंडीशन अप्लाई होगा, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 64 माइनस ये 4 × 2 = 8, सी बराबर जीरो, या यहाँ से हो जाएगा इसको उधर कर दिया जाए, 8c = 64 या c = 8। तो c की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² + 2x + 1 = 0 का विव्यक्तिकर ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति बताएं। तो विव्यक्तिकर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac = 0। तो यहाँ से हो जाएगा b की वैल्यू दिया है 2, 2² - 4, a की वैल्यू दिया है 3 और c की वैल्यू है 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 4 - 4 = 12, ये हो जाएगा -8। तो ये क्या है, d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी निगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मूल कैसा है, इसका मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसका मूल क्या है, अधिकल्पित है, मूल वास्तविक नहीं है, अधिकल्पित है, अधिकल्पित है या काल्पनिक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समीकरण 1+m² (x²) + 2mxcx + c²-a² = 0 के मूल बराबर हों तो सिद्ध करें c² = a² (1+m²). कैसे सिद्ध करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होगा चूंकि मूल क्या है, बराबर हैं। तो इसका कंडीशन क्या है, जब मूल बराबर है तो विव्यक्तिकर जीरो होगा, मूल बराबर है इसका मतलब विव्यक्तिकर जीरो होगा। तो विव्यक्तिकर जीरो कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विव्यक्तिकर हमारा होता है b² - 4ac = 0। तो यह हो गया आपका ax² + bx + c = 0। तो यह हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है, 2mxc। तो यह हो जाएगा b = 2mc² - 4, a की वैल्यू है आपका 1+m² ब्रैकेट में, c की वैल्यू दिया है c² - a² = 0। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है c² की वैल्यू निकाल लिया जाए, बाकी सबको उधर कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 4m² c² माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 4 1+m² और इस c को बाहर कर लिया जाए c², इसको फिर a में गुणा किया जाए तो ये माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1+m² और ये हो जाएगा आपका a² = 0। हमें c² की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों में कॉमन है c², इसको भेज दिया जाए उधर, या इसको इधर आने दिए, इसको कर दिया जाए उधर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1+m² c² और ये हो जाएगा -4m² c² = 4 1+m² a². अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, c² 4c² कॉमन है इसमें 4, और 4 से ध्यान से देखेंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या कॉमन है इन दोनों में, c स्क्वायर
क्या बचा यहाँ पे, वन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को पहले लिख दीजिए, ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा यहाँ पे सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय।